सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ हरियाणा वन से और हरियाणा अलर्ट न्यूज से, और मैं सतीश भारद्वाज। आज हम खड़े हैं खाटू श्याम बवाना धाम पे। जी हाँ, सही सुना आपने, हम खड़े हैं इस वक्त खाटू श्याम बवाना धाम। ये जो भीड़ आप देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन साथी कहूँगा मैं, एक बार भीड़ दिखा दे भाई। ये जो भीड़ देख सकते हैं, कम से कम भी हजारों आदमियों की यहाँ पर भीड़ है। हजारों जो भक्तजन है वो आए हुए हैं जगह जगह से, अलग अलग जगह से, और जाड़ा लगवाने के लिए सभी आए हुए हैं। एक बार इस साइड हो रही है लाइन और दिखा दो भाई। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तजन आते हैं और जो जाड़ा लगवा के जाते हैं उनको 100% आराम लगता है। और बवाना धाम जो है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपने सुना भी होगा जो MBBS बाबा के नाम से आज पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में आज मशहूर है MBBS बाबा के नाम से। तो मिलते हैं जो कपिल भगत जी हैं उनसे। मैं मेरे से एक बार आगे आ जाओ भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, हजारों आदमियों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कपिल जी हैं, कपिल भगत जी हैं, वो सभी भक्तजनों को झाड़ा लगा रहे हैं और एक सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो गया था मैं, मेरे से एक बार साथ साथ आ जाओ भाई। यहाँ पर नमस्कार, जय श्री श्याम जी। तो इतनी ज़्यादा ये पब्लिक है, इतनी भीड़ आई हुई यहाँ पे, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या राज है? चमत्कार जी, बाबा जी ये मोल छड़ी है, ये चमत्कार कर रही है और ये लोगों की भीड़ लग रही है, लोगों को आराम हो रहा है, लाइव साथ ही साथ आराम हो जाता है। तो ये एक दूसरे को बताते हैं। हमने सुनने में आया है जी एक भाई, आपने MBBS पाई, फिर उसके बाद ये कहाँ से ये शुरू हुआ? देखो ये तो MBBS बाबा बनाना था, वो टैग लाइन देनी थी, इसलिए क्या कहते हैं MBBS को टैग दे दिया। मैंने MBBS करता रहा, मैं सेंट्रल अमेरिका हेल्थ पैलिस मेडिकल कॉलेज में मैं MBBS करता रहा। तो कुछ पारिवारिक शिक्षा तो वही मैंने उनको बताया था, मैंने MBBS बाबा जी डिग्री लगा दी, हाँ डिग्री लगा दी है। बस ये भाई पापा का चमत्कार है, उनकी मेहर है जो भक्तों को रोज है। पहली बार आपको कब एहसास हुआ कि ये जो दिव्य शक्ति है वो आपके आस पास? मैं करीब 7 साल से खाती जा रहा हूँ यहाँ पर, 7 साल से, 1.5 साल से दरबार चल रहा है, मतलब दरबार लग रहा है 1.25 साल हुआ, तो करीब 1.5 से 2 साल।